नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24। मैं आपके साथ कुसुम मिश्रा। आइए बढ़ते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर कैथल से। त्योहारों के मद्देनजर कैथल पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट मोड पर, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। एसपी राजेश कालिया ने ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था को लेकर किए गए इंतजाम पुख्ता। एसपी राजेश कालिया ने जिला वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं श्री गोवर्धन पूजा पावन त्योहारों की दी हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली नजदीक है, दीपावली एक हर्षोल्लास का पर्व है। काफ़ी लोग जो हैं खरीदारी करते हैं, सबको एक इसका एक शौक रहता है। दीपावली आएगी, बच्चे बूढ़ो जवान सब में दीपावली का पर्व मनाने का एक बड़ा शौक रहता है। और इसके साथ साथ ही जैसे बाज़ार हैं, बाज़ार भी काफ़ी भरे रहते हैं, बाज़ारों में मूवमेंट बहुत रहती है, महिलाएं आती जाती हैं, सब लोग आते जाते हैं, खरीदारी करते हैं। तो इसके लिए वैसे भी पुलिस सजग है और पुलिस का ये कर्तव्य भी है कि जो आम नागरिक है, आमजन है, जो शहरवासी हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना, मार्केट में सुरक्षा भी हो, प्लस उसके अलावा ट्रैफिक मूवमेंट, ट्रैफिक रेगुलेशन भी प्रॉपर बदस्तूर चलती रहनी चाहिए। तो उसके लिए ट्रैफिक के इंतजाम भी हैं, ट्रैफिक रेगुलेशन को भी हमने उसका एक मॉड्यूल तैयार किया है, जिसके अंदर हम जो दुकानदार हैं, जो मार्केट एसोसिएशन हैं, उनको भी आह्वान करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एनक्रोचमेंट ना करें और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। साथ ही किसी प्रकार के क्रिमिनल इंसिडेंट को रोकने के लिए भी हमने नाकाबंदी भी यहाँ पे लगाई है। ट्रैफिक के साथ साथ जैसे हम देखते हैं कि शहरों में, बाज़ारों में, मार्केट में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो हमने विभिन्न थानों के अंतर्गत, जो शहर का थाना है, सिविल लाइन थाना है, जहाँ पर भी मार्केट्स हैं, जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा है, वहाँ पर नाकाबंदी का प्रबंध भी किया गया है। अलग अलग लोकेशंस पे नाके लगाए।